हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेग्स का वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी रिसेंटली एक पूरा बिगिनर शेड्यूल चालू किया है। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने अपने बिगिनर्स का शेड्यूल लैट्स का कवर किया है, चेस्ट का कवर किया है, मैंने आर्म्स का कवर किया है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेग्स का वर्कआउट। लेग्स में मैं हर मसल ग्रुप को टारगेट करने वाला हूँ, इवन आपका काफ, आपका क्वाड्स, आपका हैमस्ट्रिंग। मैंने ग्लूट्स को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया है क्योंकि स्क्वाट्स में आपका ग्लूट टारगेट हो जाता है। आज मैं आपके लिए वर्कआउट पूरा शेड्यूल लेकर आया हूँ, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो हमारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज होगा वो होगा एक स्क्वाट। स्क्वाट में आप बॉडी वेट स्क्वाट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारबेल इसलिए चुना है क्योंकि बॉडी वेट स्क्वाट मेरे लिए बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। आपको कैसे पोजीशन लेना है, अपना फीट थोड़ा सा शोल्डर विड्थ से अपार्ट रखना है और जो आपका फीट पोजीशन रहेगा वो बाहर की तरफ फेस किया रहेगा। आप जब नीचे बैठेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो हैमस्ट्रिंग का जो बोन है, सॉरी आपका जो क्वाड्स का जो थाई का जो बोन है वो ग्राउंड से पैरेलल होना चाहिए। आपको हाफ स्क्वाट नहीं करना है, आपको फुल स्क्वाट करना है। आप देख सकते हैं आपको कैसे परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज की आपको 5 सेट लगानी है। आपको मैक्सिमम रिपीटेशन 15 रखना है क्योंकि आप एक बिगिनर है। आपको अपने लेग को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करना है। और मैं बता दूं, आपको पहले एक्सरसाइज से करने से पहले आपको साइकिलिंग कर लेना है ताकि आपके जो लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो है वो बढ़ सके। साइकिलिंग कर लेना है या फिर थोड़ा जंपिंग जैक करना है, आपको वार्म अप करना है एक तरीके से। तो ये था हमारा पहले एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में हम 5 सेट लगाएंगे, हर सेट में हमारा रिपीटेशन रहेगा 15। आप अपने अकॉर्डिंग वेट चुन सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक लेग प्रेस। लेग प्रेस में आप फिर से अपने अकॉर्डिंग वेट चुन सकते हैं। आपको ज्यादा हैवी नहीं जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप 1 रेप मैक्स हिट करें या फिर 5 रेप से नीचे जाए। आपको कोशिश करना है आप 10 रेप के ऊपर ही रहें। और आपका जो फीट पोजिशन रहेगा इसमें आप हल्का बाहर की तरफ रखेंगे। बाहर की तरफ हम इसलिए रखेंगे ताकि हमारा जो इनर क्वाड है वो टारगेट कर सके हम, और जो हमारा हैमस्ट्रिंग है वो टारगेट हो सके। आप बाहर की तरफ हल्का प्लेस करके रखिए। स्टार्टिंग में आप बाहर की तरफ प्लेस करके रखिए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे आप फीट अपना नॉर्मल रख सकते हैं। आप देख लीजिए आपको कैसे पोजीशन रखना है। आपको इस एक्सरसाइज की 4 सेट लगानी है। मैक्सिमम रिपीटेशन आपको 12 रखना है। आपको हैवी नहीं जाना है। तो ये था हमारा दूसरा एक्सरसाइज। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक सीटेड लेग एक्सटेंशन। सीटेड लेग एक्सटेंशन आप देख सकते हैं आपको कैसे परफॉर्म करना है। हर जिम में अलग तरीके का मशीन रहता है सीटेड लेग एक्सटेंशन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप अपने फीट को बाहर की तरफ हल्का प्लेस करके रखेंगे, मतलब आउटवर्ड तरफ पोजीशन करके रखेंगे, तो आपका जो इनर हेड है वो टारगेट होगा। और अगर आप अंदर की तरफ पोजीशन करते हैं तो आपका क्वाड्स का आउटर हेड टारगेट होगा। तो इसमें आप डिसाइड कर लीजिए आपका कौन सा हेड सबसे ज्यादा वीक है, आपको कौन सा हेड को ट्रेन करना है। आप उस हिसाब से अपना फीट पोजीशन रखिए। इस एक्सरसाइज की आपको 4 सेट लगानी है। मैक्सिमम रिपीटेशन हम 12 रखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से परफॉर्म करना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे के एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारा चौथा एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक हैमस्ट्रिंग कर्ल। हैमस्ट्रिंग कर्ल बहुत लोग लेट के लगाते हैं। यहाँ पे मेरे जिम में वैसा मशीन नहीं था कि मैं लेट के लगाऊं। यहाँ पे मैंने सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल लगाया है। इस एक्सरसाइज में आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो जो तीनों हेड है वो टारगेट करेंगे हम। और इस एक्सरसाइज का आपको 3 सेट लगानी है। मैक्सिमम रिपीटेशन आपको 12 रखना है। रिपीटेशन आपको हैवी नहीं जाना है ज्यादा। आपको फोकस करना है अपने मसल पे। आपको ध्यान रखना है कि माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपका डेवलप हो ताकि इन फ्यूचर आप अपने मसल को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सके। तो हमारा जो 5वां एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक लंजेस। यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लंजेस लगाया है। इसमें मैंने वॉकिंग लंजेस को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वॉकिंग लंजेस थोड़ा एडवांस हो जाता है। स्टैंडिंग लंजेस अगर आप लगाएंगे जैसे कि मैं इसमें लगा रहा हूं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपको वेट, अगर आप वेट चुनते हैं तो आपको ज्यादा आगे की तरफ बेंड नहीं होना है। बॉडी आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा, ज्यादा आगे की तरफ बेंड नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है आपका जो दोनों फीट का जो गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है अपना लंजेस। आप बॉडी वेट लंज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पैर में थोड़ा सा, अगर आपके लोअर बॉडी में थोड़ा सा पावर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट उठाए। तो इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगानी है। मैक्सिमम रिपीटेशन आपको 10 रखना है। तो हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है वो होगा एक काफ रेस। काफ रेस मैंने इसमें स्मिथ मशीन में लगाया है। स्मिथ मशीन में आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। नीचे आपको एक बेस रख लेना है।
आपको उस पर खड़ा होना है, अपने अकॉर्डिंग आप वेट रखिए, वेट चुनिए उस मशीन में, अपने अकॉर्डिंग आप वेट लगाइए। अगर आप पैर को अपने बाहर की तरफ पोजिशन रखते हैं तो आपके जो काफ का अंदर का जो मसल होता है वो टारगेट होगा, और अगर आप पैर को अंदर की तरफ पोजिशन, मतलब आपका जो फीट अंदर की तरफ इनवर्ट पोजिशन में रहेगा तो आपका काफ का जो बाहर का मसल है वो टारगेट होगा। तो एक सेट आपको पैर बाहर की तरफ पोजिशन करके करना है और एक सेट आपको पैर अंदर की तरफ पोजिशन करके करना है। इस एक्सरसाइज की आपको दो सेट लगानी है, मतलब बाहर फीट पोजीशन करके आपको दो सेट लगाना है और अंदर फीट पोजीशन करके आपको दो सेट लगाना है। काफ हमारा एक बहुत छोटा मसल है जो रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वीक में सिर्फ एक दिन काफ लगाइए और आपको 15-15 का हर सेट लगाना है। तो ये था हमारा पूरा लेग शेड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए तब तक हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।